ऐसे ही होता है, कोई मिस्टीरियस कन्फेटी मोमेंट नहीं होता जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है। अक्सर इतना ट्रिवियल, बनाल, इतना एक स्मॉल मोमेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि कभी आप किसी से बात कर रहे हो और वो बात में कोई अपनी कोई बात, कोई खूबसूरत सी कोई लफ्स बोल दे तो आपको इंस्पिरेशन आ जाती है। जैसे कोविड के वक्त में अपनी यूनिवर्सिटी में वेस्ट वर्जीनिया में ही उसी ककून में फंस गई थी 1.5 साल के लिए, जब पेंडेमिक पूरा हिट था, जब वैक्सीन्स भी नहीं थी, अभी पता भी नहीं चल रहा था कि क्या है ये सब कुछ। तो मेरा एक दोस्त था जो वो और मैं हाईवे में अक्सर ना ड्राइव करते थे क्योंकि कुछ करने को ही नहीं होता था। और उधर एक दिन मैंने देखा कि बिकॉज आई जस्ट लव एनिमल्स अ लॉट, तो आई सॉ अ डेड डियर, और ये स्नोई डे था सो देयर वाज अ डेड डियर। सो हर वीक जब हम ड्राइव पे निकलते थे, सो आई वुड वॉच दैट डियर श्रिवल अप एंड ड्राई, आहिस्ता आहिस्ता छोटा 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 होता जा रहा था। मैं कहती थी एनिमल पेट्रोल क्यों नहीं उठाता इस डियर को, एनिमल पेट्रोल क्यों नहीं उठाता था। एज टाइम वेंट बाय, जब जब हम जाते थे, आई काइंड ऑफ आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद द डियर, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है, जैसे जो मैंने अभी पोएम भी पढ़ी है कि आप कभी एजुकेशन के परसूट के लिए जाते हो, अमेरिका जाते हो, ब्रिटेन जाते हो, छोटे से अपार्टमेंट में आप बंद होकर रह जाते हो, आपका उधर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता और आप इसी तरह ना ड्राई अप करते रहते हो। या फिर सोशल आइसोलेशन के वक्त पेंडेमिक के राइट पीक पे लोग काफ़ी डिप्रेशन हुई, डिवोर्स रेट वॉज सो हाई बिकॉज यू गॉट टू रियली एक्सप्लोर हु यू वर एज अ पर्सन एंड नॉट इन द बेस्ट सर्कमस्टांसेस, हु आर यू इन दिस अपार्टमेंट। बिल्कुल बिग ब्रदर टाइप ऑफ सीन हो गया था विद फैमिली एंड स्टाफ। उसी तरह देन आई केम अप विद अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट, इट्स कॉल्ड वडी डॉल, इट केम आउट इन द मैलाहैट रिव्यू इन कैनेडा दिस ईयर। तो द स्टोरी इज़ अबाउट अ वुमेन जिसके हस्बैंड को PhD मिल जाती है मेरीलैंड में, और सही बर्फ वाली जगह पे वो अपनी बीवी को साथ ले जाता है और वो स्पाउस वीज़ा में जाती है, वेयर शी इज़ एन ऑर्नामेंटल वाइफ, शी कांट रियली डू एवरीथिंग बिकॉज शादी चलानी होती है, तो सारा करियर छोड़ के वहाँ जाती है। So as time goes by, she starts identifying with this deer that she keeps seeing on the side of the road, that she just here for the sake of it, and she's withering away and everything. तो इसी एक ऐसा moment था, एक drive के वक्त की story आ गई थी मेरे दिमाग में। तो this is how inspirations happen. They happen from real life accidents, happy accidents, incidents, conversations, just experiences and moments, and sometimes there are a lot of other people who are not comfortable in writing about their stories, and they tell me, do you want to fictionalize this and cement it in your work, and I say I would absolutely love to do that. So is tarah bhi kabhi kabhi ho jata hai.